नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के तीसरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोमांचक महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मिशेल मार्च और ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और मिशेल मार्च और ट्रेविस हेड की इस जोड़ी ने अपने बेहतरीन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इस निर्णायक महामुकाबले अपनी टीम को शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। खास करके दोस्तों मिशेल मार्च जो बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं उन्होंने इस मुकाबले में भी भारतीय गेंदबाजी के लिए एक बड़ा सिरदर्द वो साबित हुए। मिशेल मार्च और ट्रेविस हेड ने इसी बीच अपनी अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी पूरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग जोड़ी की लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी दबाव में चल रही थी। ट्रेविस हेड और मिशेल मार्च ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 68 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके ट्रेविस हेड को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कराया। जी हाँ दोस्तों ट्रेविस हेड 31 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेविस हेड के आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को पारी का 13वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक शानदार ओपनिंग शुरुआत के बाद अपने दो बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था। कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी लेकिन कप्तान स्टीव स्मिथ के आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से डेविड वार्नर सेट हो चुके मिशेल मार्च का साथ देने मैदान में उतरे। लेकिन खुद सेट हो चुके मिशेल मार्च भी हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी के आगे नहीं टिक पाया और फिर पारी की 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके मिशेल मार्च को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। मिशेल मार्च 47 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में आ चुकी थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर ली थी। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि देखते ही देखते हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के तीन बल्लेबाजों को लगातार आउट कर दिया था। लेकिन मिशेल मार्च के आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मार्नस लाबुशेन डेविड वार्नर का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहाँ से डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया की डगमगाई पारी को संभाला और भारतीय टीम की आक्रमण गेंदबाजी के आगे एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन की साझेदारी धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा रही थी। डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन ने मिलकर लगभग पारी के 24वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 125 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 25वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके डेविड वार्नर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दी। सेट हो चुके डेविड वार्नर 31 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर जैसा बड़ा विकेट मिलने के बाद कुलदीप यादव की गेंदबाजी और भी ज़्यादा निखर चुकी थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए एलेक्स कैरी के साथ मिलकर मार्नस लाबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी लेकिन कुलदीप यादव ने फिर 29वें ओवर में पहली ही गेंद पर सेट हो चुके मार्नस लाबुशेन को भी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दी। मार्नस लाबुशेन 45 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर हावी हो चुकी थी। पूरी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अब दबाव में दिख रही थी लेकिन अब मार्नस लाबुशेन के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मार्क्स स्टॉइनिस एलेक्स कैरी का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से एलेक्स कैरी और मार्क्स स्टॉइनिस ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनाना शुरू कर दी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट दिखाई दे रहे थे। लगातार विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी मार्क्स स्टॉइनिस और एलेक्स कैरी बना रहे थे। मार्क्स स्टॉइनिस और एलेक्स कैरी ने मिलकर लगभग पारी के 36वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 196 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का
37वां ओवर डालने अक्षर पटेल ने सेट हो चुके मार्क्स स्टोइनिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि मार्क्स स्टोइनिस 26 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत बाद जी हां एलेक्स कैरी को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम को भी कमजोर कर दिया था। एलेक्स कैरी भी 46 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगभग 203 रनों के जी हां 203 रनों पर ही अपने टॉप ऑर्डर के 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था, लेकिन अंत में शॉन एबॉट और एस्टन एगार्ड दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कुछ बड़े शॉट खेले और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 269 रन बनाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिले 270 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस निर्णायक महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी को उठाया भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। दोनों ही खिलाड़ी आते ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर लगातार रन बनाते दिखे। खास करके दोस्तों रोहित शर्मा तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, वहीं उनका साथ निभा रहे शुभमन गिल भी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की इस विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी को देखकर विरोधी कप्तान स्टीव स्मिथ भी दबाव में दिखने लगे थे। इसी बीच भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए शॉन एबॉट ने जी हां सेट हो चुके विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मिशेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 17 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन भारतीय कप्तान के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को पारी के 13वें ओवर में एडम जंपा ने LBW आउट करा दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल 49 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने शानदार ओपनिंग शुरुआत के बाद अपने दोनों ही सेट हो चुके ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद KL राहुल विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से विराट कोहली और KL राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और एक नाजुक मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। लगातार दो बड़े खिलाड़ियों के आउट हो जाने की वजह से भारतीय टीम दबाव में थी, जिस वजह से विराट कोहली और KL राहुल ने एक अहम साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनाई, जिसमें विराट कोहली भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे KL राहुल भी फिर एक बार फॉर्म में वापसी करते दिखाई दे रहे थे। इसी बीच विराट कोहली और KL राहुल ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। दोनों ही सेट हो चुके खिलाड़ियों ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बड़े शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके KL राहुल को पारी के 28वें ओवर में एडम जंपा ने शॉन एबॉट के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि KL राहुल 50 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं KL राहुल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल भी एक गलत रन लेने के चक्कर में स्टीव स्मिथ के हाथों रन आउट हो गए। अक्षर पटेल 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने फिर एक बार अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को लगातार खो दिया था, जिस वजह से धीरे धीरे दबाव विराट कोहली की बल्लेबाजी पर पड़ने लगा था। लेकिन अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद अब हार्दिक पांड्या विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे और फिर सेट हो चुके विराट कोहली ने इसी दरमियान अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। विराट कोहली इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए शानदार पारी खेल रहे थे, तो वहीं बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने भी मैदान में उतरने के साथ बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बीच अब धीरे धीरे साझेदारी बन रही थी, लेकिन फिर पारी का 36वां ओवर डालने आए एस्टन एगार्ड पूरा मुकाबला ही बदल दिया और इस ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली को एस्टन एगार्ड ने डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली 72 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव को भी उनकी पहली ही गेंद पर एगार्ड ने क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। सूर्य कुमार यादव तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव इस वनडे श्रृंखला में लगातार तीसरी बार पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, जिस वजह से पूरी भारतीय बल्लेबाजी बैकफुट पर चली गई थी। लेकिन अब सेट हो चुके हार्दिक पांड्या का साथ देने रविंद्र जडेजा मैदान में और फिर यहां से रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने
फिर एक बार भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करे। दोनों ही खिलाड़ी फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मिलकर लगभग पारी के 43वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 218 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 44वां ओवर डालने आए एडम जंपा ने सेट हो चुके हार्दिक पांड्या को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या 40 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद अपनी अगले ओवर में एडम जंपा ने भारतीय टीम के आखिरी उम्मीद बचे रविंद्र जडेजा को भी मार्क स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ, और यहाँ से भारतीय टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह बेबस करके रख दिया। रविंद्र जडेजा 33 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो। दोस्तों, लगभग जीते हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने भारतीय टीम की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। कोई भी भारतीय टीम का बल्लेबाज अंत के ओवरों में रन नहीं बना पा रहा था। ऊपरी क्रम की नाकामयाबी भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन फिर मोहम्मद शमी को भी मार्क स्टोइनिस ने क्लीन बोल्ड कर दी। मोहम्मद शमी 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब भारतीय टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता थी। इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव को मार्क स्टोइनिस ने रन आउट कर दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस तीसरे वनडे मुकाबले में 21 रनों से भारतीय टीम को हराकर इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला को भी अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस लगभग जीते हुए मुकाबले में भारतीय टीम का इस तरह से हारना भारतीय टीम की बल्लेबाजी की कमजोरी दिखाता है। एक समय पर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर आसानी से रन बनाती दिख रही भारतीय टीम की बल्लेबाजी मुकाबले के अंत के ओवरों में किसी ताश के पत्ते की तरह ढह गई और इसी के कारण भारतीय टीम इस वनडे श्रृंखला से भी हाथ धो बैठी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की हार का असली जिम्मेदार कौन सा खिलाड़ी है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।